नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इतनी गर्मी है, इतनी कड़कती धूप है, उसके बावजूद आप यहाँ पर इस धूप में बैठे हैं, हाथ में खिलाड़ियों का ये पोस्टर है, खिलाड़ियों का समर्थन आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, ये देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, इन हमारी बेटियों ने पहला मेडल लेके आई थी देश में, तो इनको धन्यवाद स्वागत किया गया था। मैंने बहुत मोबाइलों पर थे, फेसबुक पर देखा था, लिंक भेजी गई थी कि आपको साक्षी मलिक जी को और हमारे बजरंग पुनिया जी को बहुत बड़ा स्वागत मिला था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको कॉफ़ी पर बुलाया था। आज इन बेटियों को देख कीजिए, इस जंतर मंत्र पर इस सरकार ने हमारी बेटियों को सड़क पर ले आए और आज हमारे देश के राम रोशन करने वाली ये बेटियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और ये सरकार बोलती है, ये भूषण बोलता है कि मेरा परिवार का मामला है, एक परिवार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरे भारत का मामला है, पूरे बेटियों का मामला है। ये हम इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप, क्या शुभ नाम, क्या परिचय? मेरा नाम संदीप तोमर है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से, गांव मेरा एक किसान का बेटा हूं और 2018 में भारतीय किसान यूनियन का धरना लड़ा था मैंने, क्रांतिकारी घोषित किया गया था मैं, और आज मेरा बेटियों के हित में लड़ रहा हूं मैं यहाँ। और कितने दिन से आप यहाँ हैं? आज यहाँ 22वां दिन है मेरे को। 22 दिन से लगातार आप यहाँ हैं जी। आपका शुभ नाम परिचय? आनंद कुमार जी, बताएं। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी बहनें हैं। मोदी अभी इस टाइम अंधे और बहरे हो चुके हैं, उनके कान खोलने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। जब तक बेटियों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न जाए। एक किसान ऐसा है ना धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ये जाड़े देखता है, ना भाटे देखता है। जा किसान को जहाँ मर्जी वहाँ बैठा दो, हम बेटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाएगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इस सरकार इतनी गरीब भैरी हो गई है, इस गोला नारा छोड़ा था लाल किला पर, मेरे भाइयों बहनों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आज वो मोदी जी उन गद्दारों के साथ चल रहे हैं, उनके गद्दारों का हित में चल रहे हैं, वो हमारे देश के हित में नहीं चल रहे। और आज देश में ये प्रधानमंत्री जी को हमने बना के बिठाया था, आज वही हम देश प्रधानमंत्री को भगा के छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, धन्यवाद।